just dear student, good morning once again. Now I will teach you math subject, and I think all students आप लोग एक्सरसाइज 3 और 4 आपको दिया गया था, जो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, जिसमें सिंपल ऐड है. ओके, एंड टुडे वी विल लर्न पेज नंबर 30 और 31. ओके, 30 और 31 पेज नंबर में आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दिया हुआ है, उसको हम लोग बना लें, सॉल्व कर लें. ओके, तो ये स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चन नंबर 2. ओके, वर्क दिस आउट इन योर नोटबुक, राइट द सम. हाँ, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 325 एंड योर सेकेंड नंबर इज 780. ओके, ये आपको हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है और इसको आपको बताया जा रहा है, जो कॉपी में अपने नोटबुक में इसको वर्क कर लेंगे और इसके सब को लिखना है. बस इसको कॉलम में अरेंज नहीं करना है, वर्टिकली नहीं अरेंज करना है, हॉरिजॉन्टली ही जो है इसको कर लेना है, इक्वल टू. ओके, इस तरीके से भी हम ऐड बना सकते हैं. ओके, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 में वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको पहले ऐड कर लेंगे. तो हियर इज 5 एंड हियर इज 0. 5 में जब हम 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा, यानी 5 होगा. ओके, नाउ 10th प्लेस पे आपको यहाँ पे 2 है, 10th प्लेस पे कितना है 2, और यहाँ 10th प्लेस पे कितना है 8. 2 में 8 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10. 0 एंड 1 मोड कर देंगे, कैरी कर लेंगे, हाँ, 100 प्लेस के ऊपर. ओके, तो सबसे पहले आप 100 प्लेस पे जो डिजिट है उस दोनों को ऐड करते हैं. तो 7 में 3 प्लस करेंगे तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 10, और 1 जो यहाँ से कैरी या फॉरवर्ड किए थे उसको ऐड कर देंगे 10 में, तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 11. इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वर्टिकली यानी कॉलम में दिया गया नंबर, तो आपको नंबर कितना है 456. नाउ सेकेंड नंबर 1343 एंड 5100. ओके, इसको प्लस करना है, प्लस करना है, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट 6 और 3 को ऐड करेंगे, फिर तीसरे डिजिट को ऐड करेंगे. तो 6 और 3 इक्वल टू 9, और 9 में जब 0 ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 9 ही होगा, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा. नाउ 10 स्पेस में जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे 5 और 4, 5 और 4 इक्वल टू 9, और 9 में जब 0 प्लस करेंगे तो 9 ही होगा, यानी नंबर इटसेल्फ होगा. नाउ 100 प्लेस का डिजिट को ऐड कर लें, 4 और 3, 4 और 3 इक्वल टू 7, और ये 1, 7 और 1 इक्वल टू 8, तो डियर स्टूडेंट्स 8 हो जाएगा. और 5 और यहाँ पे 1 और 5 को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा. इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वर्ड्स प्रॉब्लम है, जो स्टेटमेंट में जो सॉल्व करना है ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, सिर्फ समझना है जो आपको क्वेश्चंस क्या कह रहा है. क्वेश्चन क्या है, जिम हैज 2084 स्टैम्प्स, हिज सिस्टर सेमी हैज 5018 स्टैम्प्स, हाउ मेनी स्टैम्प्स डू दे हैव टुगेदर. ओके, ऑल टुगेदर. तो यहाँ पे जिम के पास इतना स्टैम्प्स हैं एंड 2084, और सेमी के पास हैं, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टैम्प्स जिम हैज और नंबर ऑफ स्टैम्प्स सेमी हैज, ऐसे करके आप स्टेट वर्ड्स को लिख सकते हो, और आप इसका नंबर को सामने देना है, प्लेस को, यानी जो डिजिट जिस प्लेस पे है उसको सामने देंगे और प्लस कर देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, देर आर 5262 गर्ल्स एंड 2460 बॉयज इन अ कॉलेज,
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। एक कॉलेज में आपको बॉयज का संख्या दिया हुआ है और गर्ल्स का संख्या दिया हुआ है, तो उस कॉलेज में टोटल कितना स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज भी लगा सकते हो, इन कॉलेज। ओके, ऐसे लिख करके आप नंबर ऑफ बॉयज कितना था, तो 2416 है। ओके, इसी तरीके से आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स इन अ कॉलेज, गर्ल्स की संख्या कितना था डियर स्टूडेंट, 5262। बस यहाँ पे आप प्लस कर दोगे, प्लस करके लिख देंगे, जितना होगा सम जितना आएगा इतना स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, उस कॉलेज में टोटल स्टूडेंट्स उतना हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ए फ्लोरिस्ट हैड 3006 फ्लावर्स, ही बॉट एन इक्वल नंबर मोर, हाउ मेनी फ्लावर्स डज ही हैव नाउ। ए फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट फूल सेलर, फ्लावर सेलर को फ्लोरिस्ट बोल सकते हो आप, उसके पास 3600 फ्लावर्स था, 3600, ओके, इतना फूल था, वो क्या किया, इतना फ्लावर यानी जितना फ्लावर और खरीद लिया, यानी 3006 जो है वो और खरीद लिया, तो टोटल इसके पास अब कितना फूल हो जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स प्लस कर देंगे तो टोटल फ्लावर निकल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, अनिल स्पेंट रुपीज 6243 ऑन मंडे एंड 246 ऑन ट्यूजडे, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो वो टोटल कितना पैसा खर्च कर लिया। तो आप इसका भी स्टेटमेंट दे सकते हो, अनिल स्पेंड्स ऑन मंडे इक्वल टू डैट एंड अनिल स्पेंड ऑन ट्यूजडे इक्वल टू डैट, यानी जितना नंबर है वो, जितना अमाउंट है वो, तो ऑन मंडे को इतना खर्च किया, ट्यूजडे को इतना खर्च किया, और आप जाकर के वहाँ पे ऐड कर दोगे, तो दो दिन में मिला करके वो आप जितना प्लस करने पे आएगा उतना वो स्पेंड कर गया, खर्च किया। नाउ ए टेलीविजन सेट कॉस्ट, एक टेलीविजन सेट का कॉस्ट, कॉस्ट यानी मूल्य, ओके, उसका प्राइस जो है वो कितना है, 5400। आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ टेलीविजन सेट, ओके, एंड 803 व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बोर्ड, और एक सोफा का, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप कॉस्ट ऑफ, बस क्वेश्चन को देख करके आप स्टेटमेंट में कर सकते हो, और सिंपल से मैं एक थिंग्स बता देता हूँ आपको, आप मेजरमेंट में या फिर कोई थिंग्स का परचेजिंग है तो वहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ का यूज कर सकते हैं, कोई भी सेट है, पेंसिल है, रेजर है, सोफा है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, तो आप वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिख सकते हो। किसी विलेज की पॉपुलेशन है, यानी हाँ एक गांव है, एक विलेज में वुमेन का पॉपुलेशन इतना है, मेन का इतना है, और चिल्ड्रेन का इतना, तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगा, तो इसमें नंबर ऑफ करके लिख सकते हो, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, या फिर स्कूल्स की लाइब्रेरी के बारे में बताया जा रहा है, तो इंग्लिश बुक इतना है, मैथ बुक इतना है, नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इन अ लाइब्रेरी, नंबर ऑफ मैथ बुक इन अ लाइब्रेरी, और जितना नंबर रहेगा वो पुट कर देंगे और ऐसा प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये स्टूडेंट्स कोई कंटेनर है, लिक्विड थिंग्स है, हाँ वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, डीजल है, अब वो आप कंटेनर में बता रहा है, तो आप उसके लिए कैपेसिटी का यूज कर सकते हो, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट बोतल, कैपेसिटी ऑफ सेकेंड बोतल, और जितना आपको वो कैपेसिटी देगा लीटर में, आप लीटर को लीटर के साथ निकल के ऐड कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो फिर आपको वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे जो क्या कह रहा, क्या बता रहा, उसी से आप वर्ड्स का यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई में क्या बता रहा था, टेलीविजन सेट का कॉस्ट, तो टेलीविजन आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ टेलीविजन, टेली इक्वल टू रुपीज इतना, ओके, इक्वल टू, नाउ इसी तरीके से लिख सकते हो आप कॉस्ट ऑफ सोफा,
सोफा का कॉस्ट कितना है डियर स्टूडेंट्स, तो ओनली आपको 803। तो आप 803 बस यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, प्लस करेंगे लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ टेलीविजन एंड सोफा इक्वल टू इतना जितना आपको यहाँ पे सम करने पे रिजल्ट आएगा। नाउ एफ, देर आर 1343 बुक्स इन इंग्लिश, 2481 बुक्स इन हिंदी एंड 3444 बुक्स इन अदर लैंग्वेज इन अ लाइब्रेरी, हाउ मेनी बुक्स डज द लाइब्रेरी है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, अब वो क्वेश्चन आपको आ गया है बस, तो इसमें लिख दीजिएगा नंबर ऑफ इंग्लिश बुक इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ हिंदी बुक इक्वल टू इतना, नंबर ऑफ अदर बुक्स इन अ लाइब्रेरी इक्वल टू जितना नंबर दिया गया, तीनों को आप एक कॉलम में अरेंज कर लेंगे अच्छे से और प्लस कर देंगे तो टोटल बुक हो जाएगा। ओके एंड लास्ट जी, व्हाट इज 244 मोर देन इतना, इसमें से कितना मोर है इसको निकाल लीजिएगा, प्लस करेंगे तो इतना उतना मोर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 30 and 31 क्वेश्चन नंबर 2 से आपको बनाना है, इसको बनाएंगे ओके और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग सेंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है आपको, सब्ट्रैक्शन यानी